जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्था यूथ पावर एसोसिएशन की मुहिम जल है तो कल है के अंतर्गत रविवार को जल है तो कल है विषय पर रंगोली व विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी मिश्रा ने विज्ञान प्रदर्शनी व रंगोली का अवलोकन किया। साथ ही इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा भी जल संरक्षण पर रंगोली बनाकर जल बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी मिश्रा ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाया एक एक मॉडल उत्कृष्ट है। आज का विद्यार्थी जल संरक्षण के लिए गंभीर है। इस मौके पर यूथ पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद शुक्ला, शैलेश, अदिति, आदित्य, जितेंद्र, हरिप्रकाश, अरुण सहित इस मौके पर यूथ पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद शुक्ला, शैलेश, अदिति, आदित्य, जितेंद्र, हरिप्रकाश, अरुण सहित यूथ पावर एसोसिएशन के स्वयंसेवक व सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी मिश्रा ने कहा, बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत नया है। मुझे 2-3 प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे लगे। एक बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि पानी ऊपर अगर आपके भर जाता है तो, अभी तक हम अलार्म बजाते थे कि अलार्म के माध्यम से उसको बंद कर जा रहा है, लेकिन बच्चे ने ये प्रयोग किया है कि ऑटोमेटिक
उसका मोटर बंद हो जाए। तो आदमी जो आलस यूज़ करता है आलसीपन के कारण कि मोटर बंद नहीं करना चाह पाता है, तो ऑटोमेटिक उसका मोटर बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा अलार्मिंग सिस्टम उसने बहुत अच्छा यूज़ करके बनाया है। और एक बिटिया ने अभी ये बनाया, आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है। तो कुल मिला जुला के कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी क्लास सिक्स की बिटिया है, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा। अगर उसी तरह से उसने आत्मविश्वास से जो काम कर रही है, तो उसी लगन से काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो समस्या से आज जूझ रहे हैं कि कल हमारे जीवन में जल की जो समस्या आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने अवेयरनेस है बच्चों के अंदर, और आप जैसी संस्था काम कर रही है तो कल हमारा बहुत अच्छा होने जा रहा है, और जल के लिए जितने हम परेशान हैं उससे हम लोग निजात पा जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन बच्चों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है।